हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ट्रायल बैलेंस का टॉपिक है और इसके लिए हमने डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो लिया है। इसमें देखिए, आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखी है और यहाँ बताया है कि हैविंग प्रिपेयर्ड ए ट्रायल बैलेंस इट वाज डिस्कवर्ड दैट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिमेन अनरिकॉर्डेड। कहते कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने से ही रह गए। इसका मतलब ये ट्रायल बैलेंस जो है ये कम्प्लीट ट्रायल बैलेंस नहीं है, सही है। तो इसलिए अपन को ये जो एडजस्टमेंट जो रह गए हैं इसके अंदर, जो एंट्रीज करने से रह गई हैं, इनको दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड क्या है, क्या पूछा है? पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव मेंशन्ड ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। कहते हैं इनकी जर्नल एंट्रीज करिए, इनको लेजर में पोस्ट करिए एंड रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस को दोबारा बनाइए। दिस इज योर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, डीके गोयल का है, ट्रायल बैलेंस जिसका टोटल 15,50,000 है। इसमें कुछ जनरेंटीज करने से रह गई हैं। नंबर 1 कौन सी है? गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट अमाउंटेड टू 40,000, ये एंट्री करने से रह गई है। तो अब इसकी एंट्री जो है वो अपन करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमने माल बेचा था, उसको जनरल एंट्री करने से रह गया 40,000, ठीक है। सेकंड, पेड टू क्रेडिटर 22,000 बाय चेक। चेक से पे किया क्रेडिटर्स को, तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू बैंक। कितने रुपए पे किए? 22,000, ठीक है। और कहता है गुड्स वर्थ रुपीज 7,000 वर रिटर्न टू अ सप्लायर। गुड्स रिटर्न कर दी किसको? सप्लायर को, यानी क्रेडिटर को। एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू गुड्स, उनको भेज दी है तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने का रिटर्न कर दिया? 7,000 का, सही है। आगे नंबर 4, पेड सैलरी 15 बाय चेक। 15,000 की सैलरी पे की है, और सैलरी पे करने की एंट्री क्या होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी सैलरी पे की है? दैट इज 15,000। तो ये चार एंट्रीज करने से रह गई थी, तो अपन ने ये चार जर्नल एंट्री सबसे पहले कर दी। ये चार एंट्रीज रह गई थी, ये चारों एंट्रीज कर दिए। अब इन चारों की लेजर पोस्टिंग करनी है, तो सबसे पहले डेटर अकाउंट खोलना पड़ेगा, फिर सेल्स अकाउंट, फिर क्रेडिटर अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट। क्रेडिटर खोला हुआ है, दोबारा नहीं खोलनी जरूरत है। परचेज रिटर्न, फिर सैलरी अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट पहले से खोला हुआ है, तो इस तरीके से ये सारे अकाउंट जो है वो हमें खोलने पड़ेंगे। तो सबसे पहले पहली एंट्री डेटर अकाउंट और सेल्स अकाउंट खोलते हैं। तो देखिए डेटर अकाउंट, ये डेटर का लेजर है आपका, और ऊपर अपन क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो डेटर दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2,40,000। तो पहले से जो बैलेंस है 2,40,000 का बैलेंस दे रखा है, और हमने यहां डेटर को डेबिट कर दिया। डेटर में लिखा टू सेल्स, तो डेटर में को लिखना पड़ेगा टू सेल्स। कितने रुपए का अमाउंट है? 40,000 का, सही है। और कोई ट्रांजेक्शन इसने दिया नहीं है, डेटर का और कोई ट्रांजेक्शन नहीं, तो बैलेंस निकाल दो बस सिंपली। बाय बैलेंस सीडी 240 और 40, 80, तो यहां बैलेंस कितना निकलेगा? 2,80,000, और ये अकाउंट कंप्लीट। तो ये तो बन गया आपका डेटर का अकाउंट। और किसका बनाना है? और बनाना है सेल्स का। तो अब बनाते हैं सेल्स अकाउंट। जितनी भी जनरेंटीज हुई हैं उनके जो लेजर है वो दोबारा बनेंगे। और सेल्स का बैलेंस आपको क्वेश्चन में देखिए, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। बाय बैलेंस बीडी हमेशा क्रेडिट ही होता है, 10,50,000, सही है। और फर्स्ट एंट्री में सेल्स जो ये क्रेडिट हुई है 40,000 से, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेटर 40,000। और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, टोटल हो जाएंगे 10,50 and 40, दैट इज 10,90,000। तो यहां निकलेगा टू बैलेंस सीडी 10,90,000, सही है। तो ये भी आपकी लेजर बन गई, ओके। तो डेटर बन गई, सेल बन गई, अब बनाएंगे क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं, देखिए
तो अब हम बना रहे हैं क्रेडिटर अकाउंट, ये क्रेडिटर की लेजर बन गई। पुरानी ट्रायल बैलेंस में देखिए क्रेडिटर का बैलेंस कितना दे रखा है, क्रेडिटर का बैलेंस दे रखा है 1,80,000, तो बाय बैलेंस बीडी 1,80,000 सही है। अब क्रेडिटर के लिए हमने क्या क्या एंट्री किया उनको देखो, क्रेडिटर को डेबिट किया टू बैंक, फिर क्रेडिटर को डेबिट किया टू परचेज रिटर्न, सही है। तो दो बार क्रेडिटर जो है डेबिट हो रहा है, तो क्रेडिटर अकाउंट में लिखेंगे एक तो टू बैंक, सेकेंड एंट्री की पोस्टिंग है दैट इज 22,000। और नेक्स्ट एंट्री में परचेज रिटर्न भी है तो टू परचेज रिटर्न, सभी की लेजर पोस्टिंग हो रही है, नथिंग न्यू, बस सिंपल लेजर पोस्टिंग हो रही है टू बैंक, सही है। नाउ बैलेंस सीडी निकल जाएगा, टू बैलेंस सीडी, सही है। जो साइड शॉर्टर होती है वहां बैलेंस सीडी निकलता है, और ये आपका निकल रहा है 1,51,000। तो इस तरह से क्रेडिटर अकाउंट भी हो गया। अच्छा, और क्या था क्रेडिटर अकाउंट के साथ, क्रेडिटर के साथ था बैंक, तो बैंक अकाउंट भी खोल लो, बैंक अकाउंट यहां भी काम आ रहा है और यहां भी काम आ रहा है, तो अपन बैंक अकाउंट को भी खोलना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम बनाते हैं बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस आपको दे रखा था टू बैलेंस बीडी 45,000, डेबिट बैलेंस है, और दोनों ही एंट्री में बैंक क्रेडिट हुआ है, तो एक तो लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स दैट इज 22,000, और एक लिखेंगे बाय सैलरी, जो हमने सैलरी पे की थी दैट इज 15,000, और एंड में और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो जो बैलेंस सीडी बचेगा दैट इज 8,000। ये लो जी आपका बैंक अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। और कौन सा अकाउंट काम आए, और एक आया परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न अकाउंट भी बना लेते हैं। परचेज रिटर्न का पहले से कोई बैलेंस दे नहीं रखा था, लेकिन एंट्री नंबर थर्ड में आपने परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट किया तो बाय क्रेडिटर, कितनी परचेज रिटर्न की है 7,000, और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं परचेज रिटर्न का, तो बैलेंस सीडी भी क्या निकल जाएगा 7,000। ये लो जी परचेज रिटर्न अकाउंट भी बन गया। उसके बाद एक हमें बनाना है सैलरी अकाउंट, लास्ट अकाउंट, और कोई अकाउंट की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। सैलरी का बैलेंस पहले से दे रखा है डेबिट में, देखो ट्रायल बैलेंस में, तो डेबिट बैलेंस लिखा जाएगा, मतलब जिनके भी बैलेंस आप ऊपर ट्रायल बैलेंस से ले रहे हैं उसके लिए आप यहां क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस दे रखा है सैलरी का 1,65,000। लास्ट एंट्री में आपने सैलरी को पे किया है, डेबिट किया है 15,000 से, तो डेबिट साइड में सैलरी अकाउंट में लिखना पड़ेगा टू बैंक 15,000। और कुछ कहा नहीं है तो इसका भी बैलेंस निकल जाएगा बाय बैलेंस सीडी, ये बैलेंस आपका निकलेगा 1,80,000। तो इस तरीके से आपका सैलरी अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब आपको करना क्या है कि जो पुराने लेजर हैं उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, जो चेंजेस आ गए हैं उनको तो चेंज करके लिखना है, ये वाले सारे जो अकाउंट है जो मैंने चेंज किए हैं इनको सबको तो अपन चेंज करके लिखेंगे, और जो बाकी के अकाउंट है उसको एज इट इज लिखेंगे, सही है। तो हम नई बैलेंस शीट बना रहे हैं, नई ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, और उन ट्रायल बैलेंस के अंदर उन सब चीजों को हम पुट करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो आपका आ गया LF, तो ये है ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री वेंकटेश्वर एज एट है, अब आजकल एज ऑन का यूज नहीं हो रहा है, एज एट का यूज हो रहा है, एज एट 31 मार्च 2015, जो भी ईयर आपको दे रखा हो, तो बुक के एडिशन चेंज होते रहते हैं। यहां आपके हेड्स ऑफ अकाउंट आ जाएंगे, यहां आपका लेजर फोलियो आ जाएगा, यहां आपका डेबिट अमाउंट आ जाएगा, और यहां आपका क्रेडिट अमाउंट आ जाएगा, सही है। जो अकाउंट चेंज नहीं हुए उनको बिल्कुल नहीं करना, वो एज इट इज रहेंगे। जैसे कैपिटल में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो कैपिटल एज इट इज आ जाएगी, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है 3,20,000, ठीक है। देन फिक्स एसेट्स में हमने कोई चेंज नहीं किया है, एज इट इज आ जाएगी 1,80,000। ड्रॉइंग्स में हमने कोई चेंज नहीं किया है, एज इट इज आ जाएगी
60,000। डेटर्स में हमने चेंज किया है, डेटर का हमने अकाउंट बनाया था, ये देखो डेटर का मैं यहां अकाउंट बनाया था, ये देखो फर्स्ट नंबर अकाउंट हमने डेटर का ही बनाया था। डेटर का बैलेंस पहले तो था 240, पर ये एंट्री होने के कारण, ये नया अमाउंट जोड़ने के कारण अब कहता हो गया 280। तो डेटर में अब हमें नया वाला अमाउंट लिखना पड़ेगा 280। तो डेटर में मैं यहां लिख रहा हूं 2,30,000। इस तरीके से जिनमें चेंजेस है ना उनको चेंज करके लिखना है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, आगे आपको दे रखा है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर में भी हमें नया वाला अमाउंट लिखना पड़ेगा, वो कितना है 1,51,000 जो हमने क्रेडिटर अकाउंट बनाया था। ये देखिए हमने क्रेडिटर अकाउंट बनाया है, इसमें 151 हमारा नया बैलेंस जो है वो निकला था। तो नए बैलेंस लिखने जिनमें चेंज हो गया उनके अंदर, है ना। क्रेडिटर के बाद आपका आया है परचेज, परचेज में हमारा कोई चेंज नहीं हुआ है, दैट वाई एज इट इज 7,10,000 लिखा जाएगा। देन सेल्स में हमने नया अकाउंट बनाया था, तो अब हमारा बैलेंस आ गया नया वाला 10,90,000। बैंक में भी हमने नया अकाउंट बनाया था, उसका नया बैलेंस आपका आ जाएगा 8,000। थोड़ा सा फॉर्मेट और बना लेते हैं अपन, सही है। आगे चलें, कैश इन हैंड को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा है, वो एज इट इज आएगा और वो एज इट इज आपका आएगा 30,000, सही है। आगे चलें, सैलरी, सैलरी का हमने नया अकाउंट बनाया है, दैट्स वाई सैलरी का नया बैलेंस आएगा, दैट इज 1,80,000। रेंट का हमने कोई नया अकाउंट नहीं बनाया है, एज इट इज आएगा 1,20,000। और परचेज रिटर्न का हमने अकाउंट बनाया है, तो ये आपका नया अकाउंट के बैलेंस आएगा और ये आपका नया आ रहा है, सबसे सेकंड लास्ट आपने बनाया था 7,000। तो सारे अकाउंट आपके आ चुके हैं, जो अकाउंट बनाए थे वो चेंज होके आए। कौन कौन से अकाउंट चेंज होके आए देखो, डेटर का अकाउंट नया आया, क्रेडिटर का, सेल का, बैंक का, सैलरी का और परचेज रिटर्न का। ये जो आपके 6 अकाउंट हैं इनमें चेंजेस आए और बाकी सभी में ओल्ड तरीके से ही ओल्ड बैलेंस आ गए। अब टोटल जो है वो आपका बराबर आना चाहिए, वो आ रहा है 15,68,000। दोनों साइडें बराबर है, इसका मतलब आपने जो भी लेजर पोस्टिंग्स की हैं और जो करेक्शन करने से रह गए थे क्वेश्चन में वो आपने एकदम सही किए हैं, तो आपका आंसर जो है वो एकदम सही आ जाएगा। तो देखिए, ये एडजस्टमेंट करने से रह गए थे, मैंने ये सारे एडजस्टमेंट कर दिए हैं, इनके लेजर पोस्टिंग कर दी है, उससे नए बैलेंस निकाल लिए हैं और नई ट्रायल बैलेंस बना दी है। ओके, इसी टाइप का एग्जाम्पल भी है, आप जरूर से करिएगा। ओके, थैंक यू।